अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो गपशप। मैं हूं आपकी क्यूट सी होस्ट कायनात काज़मी। मैं हूं डॉक्टर आफिया। और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूं अनम गौहर। और मैं हूं यूनुस खान। क्या हो गया आज? बहुत जल्दी जल्दी चले चले, आज बड़ी बड़ी बात मजे मजे की बातें हैं। चलो बहुत आज सब जल्दी में क्यों हो गया? हां ये तो क्यों जल्दी में है, क्योंकि आज सब ने बहुत सारी बातें करनी है। आज सबके पास बहुत सारी गॉसिप्स हैं। हां कब गॉसिप्स भी है, कब नहीं होती, औरतों के पास कब नहीं होती बातें करने के। मैं इस पॉइंट से बहुत मैं अगेंस्ट उस पॉइंट के। मुझे बताएं, मैं आदमियों के साथ बैठती हूँ, सीरियसली मैं चुप बैठती हूँ और आदमी जो पट 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 हमसे ज्यादा। एक रिसर्च है कि एक मर्द एवरेज अराउंड 2,000 to 3,000 वर्ड्स बोलता है बीवी के सामने, और जो औरत है औरत उसके सामने तो खामोशी रहता है, और औरत है वो अराउंड 6 to 7,000 एवरेज वर्ड्स बोलती है। बट वो बेचारी ऑन स्क्रीन टॉक करती है। और राफिज जो ऑन स्क्रीन रिकॉर्ड है हमारे शो में सबसे ज्यादा मेल हजरत आप हैं, आप ही बोलते हैं। अच्छा हां चलें जी, स्पीड की बात हो रही है तो मैं भी एक स्पीड पे एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव जो है वो टॉपिक लेकर आई हूं। वो टॉपिक ये है कि जापान ने इतना तेज तरीन एक इंटरनेट वाईफाई बनाया है। बेसिकली वो इतना तेज है कि रिकॉर्ड सारे उसने दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तो रिकॉर्ड्स ऐसे तोड़े हैं उन्होंने कि जितना भी आपका डेटा होगा वो जितना भी आप ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो वो आप कैसे करेंगे, 319 टेराबाइट्स पे ये पर सेकंड होगा। ठीक है, आप जो लोग नहीं जानते इतनी स्पीड्स के बारे में, मैं सिर्फ छोटी सी इसमें बात ऐड करूंगी। 1 सेकंड के अंदर आप लोग 50,000 मूवीज डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट की ये स्पीड जो है अमेरिका की एवरेज से 70 लाख गुना ज़्यादा है। तो आप मुझे बताओ, एक सेकंड में 50,000 मूवीज डाउनलोड करके देखेगा कौन? टैक्स पे करने वाले टैक्स ना पे करने वाले नहीं रामा जी, इट्स अमेजिंग ना कि कितना स्पीड वो है। इट्स अबाउट स्पीड, मजाक किया था पर अगर आपको चाहिए इस तरह की स्पीड, और हम लोग क्या मैक्सिमम क्या डाउनलोड करते हैं, हम लोग रास्ते के लिए नेटफ्लिक्स से मूवीज डाउनलोड कर लेते हैं, गाने सुनने होते हैं, किसी एप्लीकेशन से गाने डाउनलोड कर लेते हैं, हमारा और क्या डाउनलोड करते हैं बताओ। जो लॉन्ग ट्रैवलिंग होती है ना, जैसे पाकिस्तान से अमेरिका की कर लें, पाकिस्तान से यूके की, आप बीच में अगर आपको ये मूवी पसंद नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डाउनलोड अगर आप अच्छी फ्लाइट में जाए तो उनके पास बहुत अच्छी मूवीज होती है। ये रिसर्च है, ये अभी आवाम के लिए, पब्लिक के लिए नहीं आई है, ये जापानी। अच्छा? जी जी, कम्युनिकेशन के लिए। तो एलियंस के लिए है? सॉरी, आवाम के लिए अभी तक आई नहीं है, ये रिसर्च चल रही है। ठीक है जी, उन्होंने ये लॉन्च अभी नहीं किया फॉर द कॉमन मैन। हाउ डू यू नो? I read it about. नहीं, बट आगे आने वाले वक्तों में तो मैनकाइंड के लिए ये सर्विसेज फ्राहम की जाएंगी ना। Obviously, एक चीज समझें कि जब आप स्पेस ट्रैवल करते हैं ना, लोग अक्सर बोलते हैं कि यार आप मून पे जाने के लिए या मार्स पे जाने के लिए इतने पैसे क्यों लगाते हैं। रीजन यही है कि तब वहां जाके आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना उसकी, तब उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो वो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है ना वो फिर हमारे ह्यूमंस के लिए यूज होती है। एग्जैक्टली, जो पाकिस्तान का मैक्सिमम, जो अगर फॉर एग्जांपल कोई अच्छा सा बिजनेस है या कोई ऑफिस है उस पर 10, 15, 10, 12 या 14 मेगाबाइट्स पर सेकंड का इंटरनेट डाउनलोडिंग स्पीड होती है। बट व्हेन इट कम्स टू टेराबाइट्स, मतलब एक हमारा एमबी है, 1024 MB टर्न्स इनटू 1 GB and 1024 gigabytes turn into 1 terabyte. And now imagine 320, 319 terabytes. उसमें कितनी स्पीड होगी? मुझे एक बात बताओ, ये तो ऐसे हो जैसे हम पुराने कपड़े निकाल के मेट को दे देते हैं। अभी मुझे वो बात की कि वो जो टेक्नोलॉजी यूज कर चुके उसको फिर हम यूज कर रहे हैं। लेफ्ट ओवर्स की क्या बात हुई है ना? Obviously, मतलब कि मून पे जाना ज्यादा प्रायोरिटी है या आपको I feel so rotten मूवी डाउनलोड करने के लिए? अच्छा, मुझे टेराबाइट से एक चीज क्लिक हुई कि जो भी नया आईफोन 13 आया हमारा, वो भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं टेराबाइट में उस, क्योंकि अभी तक जितने भी मैक्सिमम आईफोन जीबीज देता था वो था 512 से ऊपर उसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं थी, लेकिन फर्स्ट टाइम इट्स ऑन द टीवी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझ जैसे लोग पिक्चर्स, वीडियोस, मूवीज और बहुत सारे। अच्छा, जब तक ये अभी जब तक आया नहीं था तो हम इसके बारे में मीम्स देख रहे थे, आई हैव टू सेल माय किडनी, और जब जिस दिन ये आने लगा उस दिन मैंने दुबई की एक पिक्चर देखी, क्या लंबी क्यों लगी हुई है, मैंने कहा इतने सारे लोग की किडनियां बेच के आए अपनी। जब से कोई 10 साल पुराना एक ही जोक है कि किडनी का,
अब महंगा हो गया, अब आपको लिवर भी निकालना पड़ेगा, दोनों की डिजाइन। अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, एक्सपो 2020 का आगाज हो चुका है, शेख मोहम्मद बिन राशिद ने गेट्स ओपन कर दिए हैं बहुत सारे हमारे, क्योंकि मैं भी जाने वाली हूँ थोड़े दिनों में, क्योंकि 2020 से डिले हो रहा था और अब आके 2021 में है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं 2020 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ओरिजिनली ये आइडिया 2020 में था, बट ड्यू टू कोविड वो डिले हो गया, तो उसका नाम अभी भी 2020 है। और ये इस दफ़ा दुबई की इकनॉमी और दुबई के जितने भी हालात हैं, मतलब आगे आने वाले, वो बहुत ज़्यादा बेस करते हैं इस एक्सपो 2020 पे। तो आई होप कि ये सक्सेसफुल रहे, क्योंकि अगर ये कामयाब होता है तो इससे दुबई के हालात पे, मतलब दुबई के इकोनॉमिकल हालात पे बहुत फर्क पड़ेगा, हमारे हालात से। मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ कि पूरे नेट पे इस वक्त जो है लोग अभिनंदन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पता है क्यों? बाय बाय, ठीक है, उन्होंने चाय पी, उन्होंने तारीफ की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद उन्होंने दूसरा काम कर दिया। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि हमारे JF-17 थंडर जेट्स वो माशाल्लाह उनकी वजह से इतने फेमस हो गए कि पहले मलेशिया ने मंगाए, अब इराक भी मंगा रहा है, उससे पहले अर्जेंटीना का वो चल रहा था, उन्होंने भी मंगाए, तो वो हमारे जो JF-17 थंडर है वो फेमस हो गए हैं पूरी दुनिया में। और ये हमारे यहाँ बनते हैं, ये पाकिस्तान में बनते हैं, हमारी एरोनॉटिकल्स के पास बनते हैं, तो ऑब्वियसली जब हमारे पास से जाएगा तो वो हमारी एक्सपोर्ट, ये हमारी खासियत है। एग्जैक्टली, तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारी एरोनॉटिकल्स कांटेक्ट कीजिए, हमारी खासियत, एंड थैंक यू अभिनंदन। वैसे राफिया जी, आपने जैसे आगाज लिया ना कि अभिनंदन को थैंक यू का, वैसे खैर करना तो चाहिए, लेकिन मैं भी बात करना चाहूंगी आज एक ऐसे मुद्दे पर, मुद्दा तो आप सबने मेरा मिस किया होगा, ये वर्ड तो मिस किया होगा। Exactly. काइनोत्र मुद्दा जो होता है। हाँ, मैं भी एक मुद्दा ली। तो मुद्दा ये है अमन की आशा। ओहो, अभी तक है क्या आशा? अमन की आशा अभी तक है क्या? मैं बताती, वैसे मैं मजाक में ये बात ये कह रहे हैं, आयशा है वो अमन की है। अमन की आशा कितना फजूल जोक। अमन की आशा पे बात ये है कि मैं चाह रही थी कि आगाज़ में ही अगर इस तरह के आप इश्यूज पे बात करते तो थोड़ा लाइटर मोड पे करना चाहिए, वैसे भी हम सब तो माहिर हैं थोड़ा, कोई भी सीरियस टॉपिक पर हम थोड़ा सा मुस्कुराहट इसलिए डालते हैं क्योंकि वैसे ही इतनी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आप ऐसे मुस्कुराते तो कॉमेडी तो हमें करनी पड़ती है, आप ऐसे मुस्कुराते। एक खातून है, मुझे वाकई बड़ा फ़ख्र होता है, मतलब लिटरली जोश आता है इस तरह की जो लोगों के बारे में पढ़कर और उनकी वीडियोस देखकर, उनके बारे में सुनकर, जो आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, अगर आप यूट्यूब पे भी स्क्रॉल करें तो आपको मिल जाएगी, कि मैं उनको कहूँगी डिफरेंटली एबल। ओके, द वन ब्लाइंड, द ब्लाइंड वुमन, यस, तो डिफरेंटली एबल स्पेशल वुमन, या स्पेशल वुमन, या तो मैं कहूँगी कि जो उन्होंने देखा वो आंखें रखने वाले लोगों ने भी नहीं देखा, मतलब जिस तरह से उन्होंने यूएन में बात की, पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव थी, उनका नाम है साइमा सलीम, और सलाम है आपको, वैसे आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, और यकीनन ऐसी खातून, ऐसे लोग, एक तो मुझे ना उनको वीडियो में ना राफिया जी अनम देखकर ही इतनी, मतलब प्यार आ रहा था, वैसे इतनी सादा खातून शलवार कमीज़ में ग्लासेस में, एक बात मैं कर रही हूँ ना, जब आप कहीं पे यूएन में बैठे हैं तो अक्सर मेक श्योर अपने लुक्स पे भी लोग करते हैं, जैसे इंडियन जो थी रिप्रेजेंटेड, उन्होंने अपने लुक्स पे तो बेचारी ने बहुत तैयारी की हुई थी, कहीं स्पा वगैरह भी गई होंगी, लेकिन फिर भागना भी उनको पड़ गया, लेकिन ये जितनी सादा थी और जितनी डिफरेंटली एबल थी, उतना ही उन्होंने जो है यूएन में खामोश करवा दिया इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को। उन्होंने कहा, मुद्दा ये था कि उन्होंने इशू उठाया कि पाकिस्तान, क्योंकि टर्म्स होती है ना, और हम लोगों की तरह तो नहीं, यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं तो बीच में कोई भी, आप अपनी टर्न में नहीं, जैसे टॉक शो भी देख लें कि इंडियन हमारे पाकिस्तान लोगों को इनवाइट तो करता है लेकिन बोलने नहीं देता, माइक हमारी ऑडियो स्लो कर देगा, आप जितने भी शोज देखें तो वहाँ पे तो इस तरह से ये नहीं कर सकता ना इंडिया, आपकी एक टर्न होती है, आपकी टर्न ख़त्म होगी तो देन दूसरा कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव बात करेगा। तो उन्होंने बात की, अच्छा उन्होंने बात की सारा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में है, वो कश्मीर में दहशतगर्दी करवा रहा है, वो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, वो हर चीज़ में दहशतगर्दी सपोर्ट करता है और सपोर्ट करता है, उन्होंने अपने घर में जगह देता है बहुत सारे इल्जाम बहुत सारे ना, तो उन्होंने कहा ठीक है अभी आपने बोल लिया, मैं बोलती हूँ। तो खातून ने जब अपनी स्पीच स्टार्ट की, जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा सबसे पहले इंसानियत का जो कत्ल है
जो हो रहा है वो कश्मीर में ही हो रहा है। पाकिस्तान ये नहीं देखना चाहता कि आप मासूम बच्चों के इस तरह से कत्ल करें, आप औरतों की बेहुर्मती करें, आप मर्द हजरात को खड़ा करके उनके सरों पे गोलियां मारें। पाकिस्तान ये कभी नहीं देख सकता। और किसी भी मुझे लगता है जो मुल्क जिंदा है या जो कौमें जिंदा है वो खामोश नहीं बैठ सकती। इतनी बड़ा हम पुरानी हिस्ट्री की तरफ अगर जाते हैं ना तो हम कहते हैं कि चंगेज़ खान ने जुल्म किया इसने। मैं कहती हूँ आज का चंगेज़ खान मुझे कहीं ना कहीं मोदी लगता है, क्योंकि आप देखिए, आप देखिए, सच में आप देखिए, दिखने में भी लगता है, दिखने में नहीं लगता, एक्शंस। एग्जैक्टली, तो उन्होंने कहा कि इसलिए पाकिस्तान, और अभी आपको इसलिए भी बहुत ज्यादा बुरा लगने लग गया पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि आप पाकिस्तान अमन की बात करें। अभिनंदन की बात से अगर आप देखा जाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जितना अच्छा जेस्टर दिया, काफी लोगों ने उनके यहाँ अगेंस्ट थे कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तो डर गए। ब्रेक पे मुझे लगता है जाने से पहले मैं ये बात जरूर करूंगी और देन आप लोगों की राय जानूंगी कि आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है। एक तो आप इन खातून के बारे में प्लीज़ बोलिएगा, और ये जो मैं बात कर रही थी कि आज का चंगेज़ खान मोदी। सो ब्रेक पे जाती हूँ, अब ब्रेक पे नाम ले लिया तो जाना ही पड़ेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हम चंगेज़ आई मीन मोदी के बारे में बात कर रहे थे, और लेकिन मैं चंगेज़ खान के बारे में ये कहूँगी कि जितना भी था, मतलब बहुत जालिम था, जाबिर था, लेकिन उसने काफ़ी सल्तनत फतह भी की है, कुछ कर लिया। मतलब उसने कहा ठीक है, नाम डुबाना ही है अपना, लेकिन कुछ तो करके जाऊँगा मैं, कुछ तो करूँगा। मोदी साहब अभी तक सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएंगे और ऐसे ही चले जाएंगे। वाह, क्या शेर बन गया, कुछ ना कर पाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। कुछ ना ही करें तो बेहतर है। जो वो सोचते हैं वो कहीं से इंसानियत की सोच के करीब नहीं हो सकता। जिस तरह वो सोचते हैं, जिस तरह के एक्शंस वो चाहते हैं, जो उनकी अप्रोच है, मुझे नहीं समझ में आता कौन उस अप्रोच को सपोर्ट कर सकता है। अगेन मैं पॉलिटिक्स की बात इसलिए करूंगी क्योंकि लोग वही सपोर्ट करते हैं जिनको कुछ फ़ायदा मिल रहा होता है। अगर आप किसी भी जनरल इंसान, हम जैसे लेमन लोगों को उनकी अप्रोच बताएंगे, दिल भी लाइक कौन है, मतलब जेल में है क्या, इसको फांसी दे दी कि नहीं दी, मतलब दे विल एंड अप आस्किंग यू क्वेश्चंस लाइक दिस, द क्राइम्स ही हैज कमिट एंड ही इज प्लानिंग टू, बाय द वे, वो जिनके चलते ही रहते हैं। राफेल जी, मैं यही बात कर रही हूं, जैसे देखिए साइमा सलीम के पास अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि हम अमन की, हम पीस की बात करते हैं, हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हमारी अकलियत यहाँ पे तहफ़ दिया हुआ है उन्हें, तो उनके पास कहने को बहुत कुछ है, तभी उन्होंने कहा। लेकिन जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थी वो क्यों उठ के भाग गई, क्योंकि नहीं था क्या वो कहती, इतनी एक्सट्रीमिस्ट हो गए इंडिया में कि मतलब आप जब न्यूज़ में सुनते तो आप कहते कि यहाँ कुछ नहीं। वो इसलिए भागी वो लाजवाब हो। कायनात, साइमा सलीम जो है इनके एक भाई भी हैं और वो जज हैं पाकिस्तान के, बहुत ही काबिल और मारूफ, वो भी डिफरेंटली एबल हैं, और इनकी एक बहन है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं। जहाँ तक बात रहती है आपकी एक्सट्रीमिस्ट, जैसे आपने बोला, तो इस मुद्दे पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ अगर एक्सट्रीमिस्ट होने लगे, भले वो प्यार हो, वो कारोबार हो, या वो सियासत हो, तो अगर आप, वो बहुत हार्श होने लगती है, तो अगर आप शिद्दत अख्तियार कर लेंगे और शिद्दत पसंद हो जाएंगे किसी भी चीज़ में, तो वो इन द एंड नुकसान होगा आपके लिए भी और आपके, एक मिनट लेट में फिनिश, आपसे जुड़े लोगों के लिए, आपके सर्कल के लिए। अगर आप सियासी लोग हैं तो आपकी हुकूमत, आप हुकूमत चला रहे हो, तो ऑब्वियसली वो मुल्क के लिए भी चीज़ अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि ये जो है, मैं एक छोटी सी आइडियोलॉजी शेयर करना चाहूँगी हिंदुत्व नाम से, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटी बन चुकी है इंडिया में। इंडिया सेक्युलर कंट्री है, नो डाउट, पाकिस्तान भी एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन हम एक इस्लामी रियासत हैं, इस्लामी जमहूरियत हैं। लेकिन इंडिया की अगर बात की जाए तो ये जो मैं लाई हूँ टर्म हिंदुत्व की, ये चाहते हैं कि ये लोगों पे अपना मतलब लोगों को टेक ओवर करना चाहते हैं कि हम उन पे अपना रोबर दबदबा रखें, और जितने उनको फ्रीडम है कि वो कुछ भी पहन के घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया जो है उसका कल्चर और रिलीजन हमसे बहुत अलग है। तो वो बेसिकली मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से वो अपना, क्या कहते हैं, कि अपना जोर जमाना चाहते हैं हिंदुस्तान के लोगों पर, और वो चाहते हैं कि उनका माइंडसेट चेंज करें, थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, कि वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा लोगों को आज़ादी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग अपने सिविल वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़ और कल्चरल वैल्यूज़ से बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है दुनिया, इट्स 21st सेंचुरी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती जा रही है, फैशन
मूवी इंडस्ट्री, हमारी गवर्नमेंट, हमारा एजुकेशन सिस्टम देखा जाए तो उसके हिसाब से वो चाहते हैं कि वो इंडिया की हुकूमत, और इसमें बाकायदा बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है, हिंदुत्व कम्युनिटी को, इनको लिबरल जो अप्रोच है लिबरल अप्रोच के उसको दबाना चाहते हैं, यस वो चाहते हैं कि लिबरल लिबरल जितने भी लोग हैं उनको वो खत्म कर दें और वो अपना गुंडा राज चलाएं पूरे मुल्क जो उनके भाई हैं साइमा सलीम जी. उनके भाई यूसुफ सलीम इज द फर्स्ट ब्लाइंड जज ऑफ पाकिस्तान जी, प्लस हर सिस्टर इज लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर. मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के हम नेमतों का हम कितना वो करते हैं, शुक्र अदा नहीं करते. मैन दे कैन डू, अगर अल्लाह ना करे हमारे साथ कोई ऐसा मिसअप हो जाए हम तो हमारा फेथ भी लूज हो जाएगा बेशक. हम लोग तो शायद उस लाइन पे चले, हम कुछ करें नहीं, हम कहें यही जिंदगी हमारी, उम्मीद हिम्मत हार, ये गलत है. दूसरा, ये इंडिया की मैं बात करना चाहता हूँ कि इंडिया हमेशा क्यों भागता है पीस टॉक से विद पाकिस्तान. जब भी वो हम बोलते हैं पाकिस्तान के आए टेबल पे बात करते हैं, दे ऑलवेज रन. कैसे देगा एक्सप्लेनेशन? एक्सक्यूज उनके पास यही है कि आप अपना टेररिज्म बंद करें उसके बाद हम करेंगे. साबित तो करें ना कुछ चीज, आप कुछ साबित करें कि वो exactly. जैसे कि पाकिस्तान में अगर कोई है जो इंडिया में वांटेड है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में वांटेड है. एंड व्हेन एवर इट हैपन्स कि ये इंडिया और पाकिस्तान की बात होने लगती है, जैसे मोदी है, ही स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस. पाकिस्तान इंडिया में क्रिकेट बंद हुई जी, पाकिस्तानी एक्टर्स को वहां से निकाल दिया गया. ठीक है, हमारे यहाँ माशाल्लाह बड़े स्टार्स हैं, काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी खत्म हो चुका है. तो बट अगर आपका इतना इशू है ना तो आप आईसीसी से कह के पाकिस्तान इंडिया का मैच भी कैंसिल कराए ना. वो मुझे एक बात बता, मुझे बातें कर सकते हैं, सिर्फ बातें नहीं, कैंसिल भी हो सकता, कोशिश की भी और नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा बेटिंग इन्वॉल्व है, बहुत बड़े बड़े माफियाज इन्वॉल्व हैं, तो ये रीजन है. लेकिन मैं यूनुस इस चीज़ में ये बोलना चाहूँगी, ठीक है अगर आपको हमारे साथ पीस नहीं करना, मतलब आप अपनी आवाम के साथ तो दुरुस्त रहना. हम यही बात करना चाहते हैं, देखिए तकलीफ होती है क्योंकि पाकिस्तानी कौम अभी भी इंसानियत की बात करती है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ईडी साहब, क्योंकि जब इंडिया में हालात ख़राब हुए तो मैंने खुद अपनी स्टेटस के अलावा भी चाहा था कि जितनी डोनेशन हो सकती है, मतलब डोनेशन इन सेंस कि वहाँ पे हेल्प की ज़रूरत थी, जो भी देखा जाए कोविड के बीच में क्राइसिस आ गए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गए थे, तो हम लोग तो हमेशा से अपना नेबर कंट्री समझ के, और उसके अलावा हम में इंसानियत ज़िंदा है, तभी हम बार बार ये उजागर करते हैं. हम कश्मीर के लिए भी ये नहीं कहते कि कश्मीर हमें दे दो, हम बात करते पीस रखो, पीस रखो, वहाँ इंसानियत का कत्ल मत कर. कायनात में एक बात बताऊँ, अगर हम वहाँ पर रहने वाले लोगों की बात करें, नॉर्मल इंडियन, जिस तरह हम लोग पाकिस्तानी वो नॉर्मल इंडियन से, दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर वेरी नाइस पीपल, बहुत अच्छे हैं वो लोग, उनकी अप्रोच एज अ ह्यूमन, हर हमें बाहर मिलते हैं, हमें बिल्कुल अपना अपना जैसा लगता है. ये जो ऊपर का पॉलिटिकल लेवल है, इसके ऊपर इन्होंने ये सब क्रिएट किया हुआ है. exactly. अंदर से हम सारे और एक जैसे हमारी आवाम है वैसी उनकी आवाम भी है. और राफिया जी, अगर आप देखें तो गांधी, जो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, जो दूसरी पार्टीज है, उनकी तरफ से भी किया गया है, पाकिस्तान को हमेशा टेररिस्ट ही कहा गया है, क्योंकि वहां पर वोट ही इस तरह से करना. कहने से क्या होता है, अम्मी कहती थी ना, कहने से क्या होता है. नहीं, लेकिन सबसे हार्श जैसे कि मुझे लगता है कि दूसरों पे इन मुमालिक को फिंगर पॉइंट आउट करने के बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आपके मुल्क के हालात कैसे, फिर किसी दूसरे पे उंगली उठाइएगा. बिल्कुल, लेकिन नहीं, आपने ये पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि देखें, दुनिया में इंसान बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इंसानियत कम हो रही है. बिल्कुल, जुल्म जब आप करते हैं ना, कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑर्डर दिया जाता है कि मैं कश्मीर में, मैं एक कोई इंडियन सोल्जर हूँ, मुझे ऑर्डर दिया जाता है कि आपने कश्मीर में इन लोगों को मारना है, पब्लिक पे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैंने फायर करनी है, तो मैं भी ऑर्डर फॉलो करके इंसानियत के खिलाफ बात कर रहा हूँ ना, मैं भी तो उस चीज़ को रिबेल कर रहा हूँ, उस चीज़ के अगेंस्ट जा रहा हूँ जो कि एक ह्यूमन नेचर है. इंसान बने आप, इस दूसरों की इज्जत करें, महफूज रखें, जिस काम के लिए आर्मी आपकी महफूज के लिए, अगर इंडियन आर्मी है उनके आवाम के वो है ना सिक्योरिटी के लिए ना, बट हैविंग सेड दैट दे आर फायरिंग, अगर वो कहते हैं कि भाई कश्मीर हमारा है, हमारे लोग हैं, आप गोली क्यों चला रहे हैं अपने लोगों पर, आप जुल्म क्यों कर रहे हैं. हमेशा 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 यही होता है कि वेन एवर इंडिया पाकिस्तान सेज के पीस पे बात करते हैं, कश्मीर के टॉपिक पे बात करते हैं, दे रन अवे, बिकॉज कश्मीर वो नहीं चाहते, उसमें पानी का है प्रॉब्लम, वो चाइना से भी कनेक्ट होता है, तो बहुत सारे एक इंटरनेशनल थ्रेट्स इंडिया को भी हैं. अच्छा, देखिए यूएन में एक बात, ये लोग जो है हमारे बलूचिस्तान में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. अभी रिसेंटली मरीन ड्राइव, जो गवादर का मरीन ड्राइव है, उसके ऊपर कायदे आजम का एक मुजस्मा था जिसको अभी
टूरिस्ट बन के आए थे, वो टेररिस्ट बेसिकली टूरिस्ट बन के आए थे और उन्होंने एक्सेस किया उस मुजस्मे को एंड दे एक्चुअली डिड अ ब्लास्ट और वो मुजस्मा उन्होंने वहाँ से तोड़ दिया. लेकिन मुजस्मा तोड़ने से तो आपको क्या लगता है, हम पाकिस्तानियों की उम्मीद होप ये सब टूट जाएगी, हमारा यकीन टूट जाएगा, हमारा फेट टूट जाएगा? वो तो मुजस्मा है, हम फिर बना लेंगे. जैसे आप लोग मुजस्मे बनाते हैं, हम फिर बना लेंगे. लेकिन हमारी एजेंट पकड़ा गया था, इफ यू रिमेंबर, कलभूषण वो पकड़ा गया था, तो हुसैन पटेल के नाम से चीज समझे ना, यू आर वर्किंग. वो बलूचिस्तान से पकड़ा गया था ना, हम तो इंडिया नहीं गए ना, या हम रात के अंधेरे में हम आए, हमने आप पे वो कौन सा इन्होंने कहा था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके हम लेकर आए उनको. ऐसा तो नहीं था ना, तो यू आर वर्किंग इन बलूचिस्तान, यू आर ट्राइंग. बट आई टोल्ड एवरीवन इन द प्रीवियस शो टू कि देयर इज नो फोर्स, कायदे आजम ने फरमाया देयर इज नो फोर्स इन दिस वर्ल्ड दैट कैन अंडू पाकिस्तान. अच्छा मैं इस जी उर्शिया बिल्कुल मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगी. बस एक बात कहूँगी, क्योंकि ये वीडियोस देखें हम चैनल पे चल रहा है, लेकिन जब YouTube पे अपलोड होगा तो यकीनन बहुत सारे इंडियन फैंस या इंडियन लोग भी देखेंगे. हमारा दोबारा इंडियन आवाम के साथ कोई भी अगेंस्ट, मतलब कोई भी इख्तलाफात नहीं है. हम आप लोगों को वैसे ही प्यार करते हैं, क्योंकि देखें आप हमारा नेबर कंट्री है, ठीक है. आप भी पीस चाहते होंगे, हम भी पीस चाहते हैं, क्योंकि आम आवाम पीस ही चाहती है. पर हम बात करते हैं पॉलिटिशियंस की, हम बात करते हैं हमारे भी कहीं ना कहीं जो है अपने वफाक की खातिर बहुत सारी चीज़ करते हैं. वो तो अपने अपने लोगों के लिए भी यू नो अगेंस्ट कभी ना कभी चले जाते, कुछ नहीं करते. लेकिन बात यही आती है, तो मैं बात यही करना चाह रही हूँ कि यूएन के दोबारा हम बात करने वाले हैं साइमा सलीम की, कि मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह हम सब जब बात कर रहे हैं तो सबके चेहरे पर एक इत्मीनान है. इत्मीनान क्यों है? क्योंकि हमारे क्योंकि हम बात दोबारा इंसानियत की कर रहे हैं, पीस की कर रहे हैं, क्या इंडिया क्या कश्मीर, इंसानियत की बात करें, इंसानियत बचाए. लेकिन दोबारा वही वाली बात है कि आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है, आप लोगों के पॉलिटिशियंस को आप लोग प्लीज़ उनकी सोच को उजागर करें, क्योंकि आप वहाँ की कौम है, वहाँ की नेशन है. आप उनके अगेंस्ट अगर कह सकते हैं तो आप कहें, क्योंकि जालिम जाबिर के खिलाफ आवाज उठाना है. उनको सपोर्ट ना करें. yes. you know, अगर आप आवाज अपनी रेज नहीं कर सकते तो उनको सपोर्ट ना करें. इसी बात पे लें छोटा सा ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक. वेलकम बैक. हम बात कर रहे थे इंडिया की पॉलिटिक्स की, कि जो वो फैसले करते हैं और उनके आवाम से हमें कोई इशू नहीं है. हाँ. मैं कहता हूं कि मुझे हर उस इंसान से इशू है जो गलत बात को गलत बात नहीं कहता. नहीं कहता. आज हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अनाउंस करते हैं कि हम आज इंडिया पे अटैक कर रहे हैं, पूरी आवाम खड़ी हो जाएगी, प्रोटेस्ट करेगी, ये गलत है. बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो हम भी गलत हैं. जो गलत काम कर रहा होता है उसका कोई साथ देता है वो भी गलत होता है. आप प्रोटेस्ट करें, आप आवाम क्या कर सकती है, रास्ते बंद कर सकते हैं, जो कि कश्मीर में कर रहे हैं वो रास्ते बंद, वो प्रोटेस्ट करते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट, और फिर वहां पे गोलियां चलती हैं. ये जुल्म हो रहा है, क्योंकि उस आवाम में, कश्मीर की आवाम ने उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई. मैं उसके साथ हूँ, बिकॉज उन्होंने बोला जो गलत हो रहा है ये हमारी जगह है, ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए. सेम गोज अगर के इंडिया ने 370 आर्टिकल लगाया, किसने प्रोटेस्ट किया? तो उनके लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तब उनके साथ ऐसा होगा तब उनको फर्क पड़ेगा. दिस व्हाट हैपेंस, जुल्म सहने से अच्छा है आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए. जब आप गलत बात पे चुप हो जाते हैं, जब आप गलत बात पे चुप हो जाते हैं तो फिर आप उसको बढ़ावा देते हैं, इसको कहते हैं बढ़ावा देना. और फिर आप ये नहीं समझे कि वो गलत बात सिर्फ वही हो रही है, वो गलत बात आपके घर भी आएगी, आपके घर भी आएगी. इंडिया, अमेरिका ने या डिफरेंट नेटो फोर्सेज ने पाकिस्तान को आइसोलेट किया है. इंग्लैंड भी हमारी सीरीज नहीं कर रहा, न्यूजीलैंड भी चला गया वापस. द रीज़न इज के हम, वो टाइम आ गया है कि हमें अपनी इमेज पॉजिटिव रखनी है, कि वी नीड टू शो दिस एटीट्यूड कि वी डोंट गिव अबाउट एनीथिंग. हमें उसके लिए सेल्फ सस्टेन होना पड़ेगा. मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप एज अ कॉमन मैन जितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो आप सफाई रख के, कचरा ना फेंक के, सिग्नल्स को फॉलो करके, आप जितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, टैक्स दे के, जितना आप कर सकते हैं आप कीजिए, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम आवर कंट्री विल बी द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड. इंशाल्लाह वी हैव द पोटेंशियल, वी हैव दैट पोटेंशियल. हम लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हमारी कॉम कैसे से, वी हैव दैट पोटेंशियल. और हम यहाँ बात कर रहे थे पीस की,
ये हर इंसान का जो है बाय बर्थ हक है कि वो एक पीसफुल सिचुएशन में रहे, आप मैं जो भी, मतलब जो भी, इनफैक्ट इवन जानवरों का भी. तो हम लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पे ये हो रहा है, हम उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली हमारे खड़े होने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे शोर मचाने और खड़े होने से सिर्फ एक चीज़ अच्छी हो सकती है. आप सोचें क्या क्या, जब हम शोर मचाएंगे और खड़े होंगे सिर्फ एक चीज़ अच्छी हो सकती है, अटेंशन मिलेगी. अटेंशन मिलेगी, वी वॉन्ट दैट अटेंशन, ताकि पूरी दुनिया उस तरफ देखे. मैं आपको पता, पूरी दुनिया उस तरफ देख रही है, बट दे कीपिंग देयर आईज ऑफ, दे कीपिंग द ब्लाइंडिंग, यू नो, बिकॉज वो नहीं देखना चाहते कि वहाँ पे ये हो रहा है, क्योंकि वो उसको सपोर्ट, वो उसको वो नहीं करेंगे कि हाँ भाई गलत हो रहा है, वो कह नहीं सकते कि गलत हो रहा है, बिकॉज उनके ऊपर मल्टीपल प्रेशर्स हैं ऊपर ऊपर. हालांकि हो तो वो गलत ही रहा है. मुझे आंखें बंद नहीं, पता है वो देख सब रहे हैं, दैट इज द वर्स्ट पार्ट, वो देख सब रहे हैं लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं. जी है ना, तो वी वांट दैट अटेंशन. मुझे ऐसा लगता है, हाँ जी, आपकी टेंशन हुई राफी जी, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना इंसान डरता भी है एक्सेप्टेंस से या फिर तब्दीली से, और वो इस डर या खौफ की वजह से आवाज़ नहीं उठाता है या अगेंस्ट चीज़ों के या सिस्टम के नहीं जाता है. क्योंकि अब जैसे अफगानिस्तान का ही देख लें, जो रिसेंट सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, कि मैं न्यूज़ सुनती रहती हूँ, तो मैं अभी कल परसों के बुलेटिन में सुन रही थी कि वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि इतना अमन और इतना सुकून हमने अफगानिस्तान में आज से पहले नहीं देखा था, जब से तालिबान ने इन्वेड किया अफगानिस्तान पर, उन्होंने अपनी हुकूमत, और लोगों ने तो उनको अब लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया. जो सुमैरा जी हमारी गई हुई हैं वहाँ पर न्यूज़ एंकर, तो वो कहती हैं कि मैं पहले जब जा रही थी बहुत खौफज़दा थी, मैं डर रही थी, लेकिन मेरा जाके ओपिनियन, मेरा नज़रिया तब्दील हो गया कि अफगानिस्तान की अब, और उनकी ना जगह जगह पे वो बनी हुई हैं, वो क्या होती हैं, जहाँ पे चेकिंग होती हैं, चेक पोस्ट बनी हुई हैं, और वहाँ पे तालिबान खड़े होते हैं, और वो मतलब, और मैं उनका एक छोटा सा इंटरव्यू देख रही थी, उसमें बता रहे थे कि वो इतने प्यार से आपकी तलाशी लेते हैं कि बंदा खुद बोले कि जी आप आए देख लें, और इतने अदब से, इतने तमीज से. नहीं लेकिन मतलब एक मिनट यूनिस, मुझे लगता है कि इखलाक बहुत बड़ा हथियार है. मैं भी एक बात ऐड करना चाहूँगी अनम की बात से, कि वाकई में इखलाक जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट है. लेट सपोज़ हम किसी बच्चे से भी बात करते हैं ना, तो वो अगर हम उनसे, बच्चों से भी अगर आप जनाब करके बात करते हैं, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली वो हमसे आप जनाब करके बात करता है. हाँ, तो वाकई में इखलाक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपकी इसी बात पर कि बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चे से भी अगर आप तमीज़ से बात करेंगे तो वो आपको बदले. एक तो अनम ने जो बोला ना कि तालिबान कहते हैं, मुझे नहीं पता कि वो कैसे कहते हैं, लेकिन इससे बहुत क्यूट वे में बोले कि आओ चेकिंग. अच्छा, मुझे एक चीज़ बोल, और एक चीज़ और, राफिया जी ने ये बात की थी प्रोटेस्ट के बारे में, कि हम कभी कभी सोचते कि क्या होगा, बाकी ये सोच आती है कि हमारे बोलने से क्या होगा. मेरा एक स्टेटस है फ्री पैलेस्टाइन, उस पर भी बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि ये स्टेटस लगाने से क्या होगा. मतलब मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि कतरा कतरा ही दरिया बनता है. बेशक बेशक बेशक. मैं ये कह रहा था, मैं प्रोटेस्ट करने वाला था ताकि मुझे अटेंशन मिले. देखें, अफगानिस्तान की बात हो रही थी, तो मैंने, मुझे एक चीज़ पूछनी है आप लोगों से, एक लॉजिकली बात. आप मेरे घर में आती हैं जी, आप कब्जा कर लेती हैं जी, आप मुझे घर से निकाल देती हैं जी, मैं बाहर खड़ा आपको प्यार से बोलता हूँ, ठीक है, आप मेरे घर, आप बाहर आ जाइए, बाहर आ जाए, आपने मना कर दिया, फिर मैंने थोड़ी सी फोर्स लगाई, आपने मना कर दिया, मैं गन्स ले आया और आप चले गए, मैं अपने घर में वापस आ गया. नॉर्मल चीज है. सेम गोज विद अफगानिस्तान. एग्जैक्टली. तालिबान डिड नॉट इन्वेड अफगानिस्तान, अमेरिका डिड. एग्जैक्टली. वेट अ मिनट, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने लोगों को मजबूर किया कि वो उन्हें कबूल करें एज अ गवर्नमेंट वहाँ की. उन्होंने डंडे के जोर पे या तलवार के जोर पे या गन के जोर पे नहीं बोला कि एक्सेप्ट अस एज योर गवर्नमेंट आज से. उन्होंने अपने एक्शंस में वो चीज़ प्रैक्टिकली अमली तौर पे करके दिखाई है कि सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ मुझे लगता है अमेरिका ने अभी तक ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम उन्हें एज अ गवर्नमेंट अभी रिकग्नाइज करें, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट सब कंट्री ने उनको एक्सेप्ट, क्योंकि उन्होंने वो, मुझे लगता है उन्होंने जस्टिफाई किया है उस पोजीशन के साथ जहाँ वो खड़े हैं, अपनी ओल्ड इमेज को उन्होंने कहीं ना कहीं वॉश आउट किया है. उससे पहले अमेरिका जब इन्वेड कर रहा था, उससे पहले भी तालिबान ही वहाँ पे रूल कर रहे थे. मगर मुझे ऐसा लगता है कि यूनेस वहाँ के जो रूल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, कि मतलब पहले जो रूल्स को कनेक्ट करें तो वो वहाँ के रूल्स और अलबी के रूल्स बहुत अच्छे हैं. एक्चुअली मॉडर्न तालिबान है. हाँ, ये ये ये
तालिबान कुछ वो जो हमारे जहन में एकदम से तालिबान का इमेज बन जाता है, उस इमेज से बहुत डिफरेंट है। ये बड़े न्यूट्रल हैं, ये बड़ी म्याना रवि वाली अप्रोच लेके चल रहे हैं, ये एकदम एक्सट्रीम वाले वाली चीज नहीं कर रहे हैं। शरीयत के हिसाब से जो शरीयत में औरत को हकूक दिए, वो हकूक समझ रहे हैं, मान रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली ये देखा जाए तो रियल मायनों में जो है शरीयत को फॉलो कर, जैसे फॉर एग्जांपल काफी इंटरनेशनल यूट्यूबर्स आते हैं पाकिस्तान में, वो कहते हैं हम पहले बहुत डरे हुए थे, एंड पाकिस्तान इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, यहाँ पे बहुत सारे लोग हेल्पफुल हैं, अनटिल अनलेस यू डोंट विजिट अफगानिस्तान यू कांट जज इट। अनम, मैं बिल्कुल ये बात करना चाह रही थी कि मुझे आज सच में बहुत प्राउड फील हो रहा है, और मैं, मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि माशाल्लाह माशाल्लाह जिन लोगों के साथ मैं बैठती हूँ या जिनको मैं कहती हूँ मेरी फैमिली है, को एंकर्स हैं, होस्ट हैं, उनकी सोच भी इतनी अच्छी है कि मैं जब ये हम बात कर रहे थे खानम के बारे में, खातून के बारे में, और जैसे जैसे ये बात हुई टॉपिक बढ़ता रहा, ब्रेक्स आए, तो हम लोगों का सेम वही पीसफुल और पीस पे जो हमने बात की ना, एग्जैक्टली, तो हैट्स ऑफ टू, क्योंकि बेसिकली हम सारे जैसे भी हैं अच्छे इंसान तो हैं, बिल्कुल, इंक्लूडिंग यूनुस जी। उर्शिया कुछ कहना चाहेंगी? मैं भी कुछ अमन पे ही बात करना चाहूंगी कि अमन की आशा, यस अमन की आशा, अमन की उर्शिया, अमन की उर्शिया, क्या ही बात है, क्या ही बात, कि जितना भी आप लोगों के इर्द गिर्द लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, आप लोग उनसे प्यार और मोहब्बत से, प्यार से बात करें। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, अगले बंदे की बात सुने, उसको प्रॉपरली समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है, हो सकता है वो आपके फ़ायदे के लिए हो सकता है आपके लिए नुकसानदेह हो, बट आप प्रॉपर बात सुने। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अगले बंदे की बात सुनेंगे प्रॉपरली, तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अमन आएगा। अनम प्लीज़ क्यूट तरीके से आप इख्तिताम करते शो का। हम सब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क से प्यार करें और जितना हो सके अमन और सलामती का पैगाम दें। अपने घर से शुरू कीजिए, अपने आसपास देखिए लोगों को, और सबसे ज़्यादा अपने मुल्क के लिए, क्योंकि हम तो घरों में सो जाते हैं, हमने कभी ये नहीं देखा कि हम सुकून से खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, और वो जो हमारे सरहदों पर फ़ौज, हमारी आर्मीज लड़ रही होती हैं हमारे लिए दिन रात, वो नहीं देखते कि उनकी फैमिलीज़ हैं, उनकी बहनें हैं, उनके भाई हैं। तो मैं उन लोगों के लिए एक दफ़ा ये कहना चाहती हूँ कि सलाम है आपके जज्बे को और उन माओं को जो ऐसे बेटों को पैदा करती हैं, और हमें मेरी दुआ है कि मुझे बेटा और मैं उसको आर्मी में और अपने मुल्क के लिए भेजूं। तो इसी खूबसूरत बात के साथ मैं चाहूंगी कि हम सब आपसे इजाज़त लें और मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमारे इस शो का ख्याल रखिएगा, अपने मुल्क के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।